नमस्कार साथियों, इस नई सीरीज की पूरी परिकल्पना इस वीडियो के बनाने वाले हमारे सहयोगी श्री दुर्गेश कुमार कश्यप जी की हैं। दुर्गेश कुमार आर्थिक रूप से कमजोर पर एक होनहार युवक हैं। छुटपुट काम के अलावा वे राज्य स्तरीय सरकारी सेवाओं की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम एक ऐसी सीरीज बनाएं जो कि वीडियो देखने वालों के सामान्य एवं सामयिक ज्ञान में वृद्धि कारक हो। सीरीज को रोचक एवं मनोरंजक बनाने के लिए उनके कुछ सुझाव हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, यह एक खुली प्रतियोगिता होगी जिसमें कोई भी दर्शक भाग ले सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक कड़ी में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर प्रतिभागी को एक अंक मिलेगा। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प ऑप्शंस होंगे, जिनमें से एक विकल्प ही सही होगा। चौथा, सबसे पहले और ज्यादा अंक पाने वाले प्रतिभागी का सचित्र विवरण अगली कड़ी में दिया जाएगा। पांचवा, प्रतियोगिता को और भी आकर्षक बनाने के लिए इसके नियमों एवं शर्तों में बदलाव तथा इनाम की घोषणा भी आगे की कड़ियों में की जाएगी। तो आइए आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं इन सवालों के साथ। सवाल नंबर एक, विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था? विकल्प हैं, पहला त्रेता, दूसरा द्वापर, तीसरा सतयुग, चौथा कलयुग। सवाल नंबर दो, महाभारत युद्ध की शुरुआत में श्री कृष्ण ने किस नाम के शंख से शंखनाद किए? विकल्प हैं, पहला शंखचूर्ण, दूसरा सुदर्शन, तीसरा पांचजन्य, चौथा शंखराज। सवाल नंबर तीन, भारत देश जब आजाद हुआ तो आजादी के समय देश में कुल कितने राज्य थे? विकल्प हैं, पहला 17, दूसरा 27, तीसरा 37, चौथा 36। सवाल नंबर चार, भारत देश का एक प्राचीन नाम यह भी था? विकल्प हैं, पहला आर्यावर्त, दूसरा भरतखंडे, तीसरा भातखंडे, चौथा भरतक्षेत्र। सवाल नंबर पांच, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? विकल्प हैं, पहला मियां अब्दुल, दूसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा चंद्रशेखर, चौथा एपीजे अबुल कलाम। सवाल नंबर छह, मेरी मौसी की बड़ी बहन रिश्ते में मेरी क्या लग सकती हैं? विकल्प हैं, पहला नानी, दूसरा दादी, तीसरा बहन, चौथा माँ। सवाल नंबर सात, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? विकल्प हैं, पहला HO2, दूसरा H2O, तीसरा H2O2, चौथा 2HO। सवाल नंबर आठ, इस मुहावरे को पूरा करें, मान न मान, मैं तेरा। विकल्प हैं, पहला मेहरबान, दूसरा बेजुबान, तीसरा मेहमान, चौथा मेजबान। सवाल नंबर नौ, इस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ एक साल का होता है। विकल्प हैं, पहला नीदरलैंड,
दूसरा फिनलैंड, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा पोलैंड। सवाल नंबर 10, यह यूनाइटेड स्टेट्स की एक नदी का नाम है। विकल्प हैं, पहला मिसिसिपी, दूसरा मिसिसिपी, तीसरा पिसिमिसी, चौथा मिस्टी पिस्टी। सवाल नंबर 11, छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो उसमें कुल कितने जिले थे। विकल्प हैं, पहला 32, दूसरा 23, तीसरा 16, चौथा 26। सवाल नंबर 12, बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक के रद्द हो जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। विकल्प हैं, पहला कॉल डाउन, दूसरा कॉल ऑफ, तीसरा कॉल आउट, चौथा कॉन कॉल्ड। सवाल नंबर 13, हवाई जहाज के अड्डे को अंग्रेजी में इस नाम से भी जानते हैं। विकल्प हैं, पहला एयरपोर्ट, दूसरा एयरपोर्ट, तीसरा एयर सोर्स, चौथा एरोट्रम। सवाल नंबर 14, भारत पाक बंटवारे के बाद पाक हिंदू कितने कोटि के देवताओं को मानते हैं। विकल्प हैं, पहला 3, दूसरा 13, तीसरा 23, चौथा 33। सवाल नंबर 15, विवेकानंद का एक नाम यह भी था। विकल्प हैं, पहला नरेंद्रनाथ बोस, दूसरा नरेंद्रनाथ बसु, तीसरा नरेंद्रनाथ दत्ता, चौथा नरेंद्रनाथ दत्तात्रेय।